देश में लोकसभा और विधानसभा एक साफ कराने को लेकर के नई कवायद शुरू की जा रही है, जिसको लेकर के आने वाले 2019 में लोकसभा चुनाव में हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि इन चुनाव से सीधा फायदा बीजेपी को भी मिल सकता है। वो कैसे, देखिए हमारी रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव की चली बयार। लोकसभा चुनाव के साथ होंगे विधानसभा चुनाव। 2019 में हो जाएगी एक देश एक चुनाव की शुरुआत। हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव होंगे एक साथ। देश के संसाधनों का सदुपयोग और जनता के पैसे को बचाने की कवायद में जुटे चुनाव आयोग और केंद्र सरकार आने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ा कदम उठा सकते हैं। मोदी सरकार की मंशा के मुताबिक एक देश एक चुनाव को लेकर ये बड़ा कदम देश के लिए फायदेमंद हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक लोकसभा चुनाव के साथ राज्यों में फिर से प्रधानमंत्री मोदी मैजिक के सहारे सत्ता हासिल करने की रणनीति पर बीजेपी में शीर्ष स्तर पर मंत्रणा शुरू हो गई है। इसको लेकर अब ये चर्चा आम हो चली है कि लोकसभा चुनाव के साथ कुछ प्रदेशों के विधानसभा चुनाव पहले कराकर एक देश एक चुनाव की ओर पहला कदम बढ़ा दिया जाए। इसी को लेकर 2019 में हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव समय से पहले और लोकसभा चुनाव के साथ ही कराए जा सकते हैं। एक देश एक चुनाव की ओर बढ़ेगा देश। बीजेपी के रणनीति के मुताबिक हरियाणा, झारखंड और महाराष्ट्र तीनों राज्यों में बीजेपी कई चुनौतियों का सामना कर रही है। गौरतलब है कि इन राज्यों में 2014 में लोकसभा चुनाव के साल भर बाद कराए गए थे, जहां मोदी लहर का इन प्रदेशों में फायदा मिला था। लेकिन अब तस्वीर दूसरी है, क्योंकि हर प्रदेश में अब दूसरी बयार चल रही है। जहां तक हरियाणा का सवाल है तो सरकार और राज्य संगठन के खिलाफ शिकायतों का अंबार, सरकार और राज्य संगठन में भी तालमेल की कमी, सरकार और संगठन में मतभेद की भी जोरदार चर्चा, सभी बैठकों में कार्यकर्ताओं के खुश होने की खबर, ये वो बिंदु है जिनके मुताबिक हरियाणा में बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वहीं अब ये साफ नजर आने लगा है कि शीर्ष नेतृत्व ने संगठन और सरकार में बड़े फेरबदल की योजना बनाई थी, अब उसे टाल दिया गया है, ताकि लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव होंगे तो पूरा चुनाव प्रचार मोदी बनाम अन्य हो जाएगा और इसका पार्टी को लाभ मिलेगा। यही हाल कुछ झारखंड में भी है, क्योंकि यहाँ बीजेपी की सरकार को हटाने के लिए एक नया मोर्चा तैयार हो गया है। झारखंड में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक मंच पर आना, कांग्रेस, झामुमो और आरजेडी एक मंच पर आए। झाविमो ने विधायकों की खरीद फरोख्त को मुद्दा बनाया। बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष की चिट्ठी भी बनी किरकिरी की वजह। विधायकों को 2-2 करोड़ में खरीदने की लिखी थी बात। महाराष्ट्र को लेकर भी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चिंतित है, क्योंकि शिवसेना ने लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। शिवसेना का साथ छूटने के बाद पार्टी को नुकसान का अनुमान है। दलितों की पिटाई और मॉब लिंचिंग के मुद्दा बनने से हो सकता है। मोदी मैजिक के भरोसे विधानसभा में चमत्कार का इंतजार। कुल मिलाकर अब बीजेपी शीर्ष नेतृत्व को प्रदेश में सरकार बचाने के लिए मोदी का ही सहारा है, जिसको लेकर संगठन अब कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता, क्योंकि ज्यादातर राज्यों की रिपोर्ट नकारात्मक है और सरकार में वापसी न होने से सीधा असर मोदी की छवि पर ही पड़ेगा, जिसका नुकसान उठाने का जोखिम बीजेपी और आरएसएस कभी तैयार नहीं होंगे। कुलदीप द्विवेदी, जनतंत्र टीवी। केंद्र की मोदी सरकार वन नेशन वन इलेक्शन पर काफी जोर दे रही है। कभी प्रधानमंत्री मोदी तो कभी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव करने की बात कह रहे हैं, और अब मोदी सरकार ने इसके लिए ब्लूप्रिंट भी तैयार कर लिया है। लेकिन विपक्षी पार्टियां डरी हुई हैं। क्या है इस पूरे मामले को देखिए इस रिपोर्ट में। एक देश एक चुनाव कब, बार बार चुनावों का खर्च कब तक उठाएगा देश, क्या 2019 में होगा एक देश एक चुनाव? इसलिए एक साथ चुनाव कराने के विषय पर चर्चा और संवाद बढ़ना चाहिए। ये सवाल मौजूद हो चला है, क्योंकि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक देश एक चुनाव की बात कही, तब से लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के कयास तेज होते जा रहे हैं। अब जबकि 2019 में होने वाले अगले आम चुनाव में तकरीबन एक साल का समय बचा है, बीजेपी के उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने प्रधानमंत्री को एक देश एक चुनाव पर हुई पब्लिक डिबेट की रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को देखें तो बीजेपी के मंसूबे का अंदाजा मिलता है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और इसका राजनीतिक माहौल हर समय चुनावी मोड में रहता है। जहां हर साल लगभग 6 राज्यों में चुनाव होते हैं, एक ऐसी स्थिति जो विकास कार्यों में रुकावट डालती है, साथ ही इसका देश के शासन पर भी काफी गलत असर पड़ता है। रिपोर्ट में आम चुनाव में होने वाले खर्च का जिक्र करते हुए कहा गया है कि 2009 और 2014 में अनुमान के तौर पर 1,115 करोड़ और 3,875 करोड़ रुपए खर्च हुए। अगर 31 विधानसभाओं में चुनाव हो तो ये आंकड़ा कई गुना बढ़ सकता है। हालांकि पैनल का मानना था कि अगर एक साथ चुनाव कराएं तो ये चुनावी खर्च 4,500 करोड़ तक हो सकता है। 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए 7 अप्रैल से 12 मई के बीच 9 चरणों में चुनाव कराए गए। साथ ही उसी साल 9 राज्यों में भी विधानसभा के चुनाव हुए। इनमें आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना और सिक्किम शामिल थे। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक 16वीं लोकसभा के चुनावों में 1 करोड़ लोग चुनाव अधिकारी के रूप में 9,30,000 पोलिंग बूथों पर लगाए गए थे। वहीं सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की 1,349 कंपनियों के जवान सुरक्षा में तैनात थे। चुनाव प्रणाली में ये 5 बदलाव करना चाहती है सरकार। प्रधानमंत्री को सौंपी गई रिपोर्ट में बीजेपी ने मध्यावधि और उपचुनाव की प्रक्रिया को खारिज कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में एक साथ चुनाव कराने से अविश्वास प्रस्ताव और सदन भंग करने जैसे मामलों में भी मदद मिलेगी। बीजेपी की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम के तहत सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाते हुए विपक्षी पार्टियों को अगली सरकार के समर्थन में विश्वास प्रस्ताव भी लाना जरूरी होगा। ऐसे में समय से पहले सदन भंग होने की स्थिति को टाला जा सकता है। स्टडी रिपोर्ट में कहा गया है कि उपचुनाव के केस में दूसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को विजेता घोषित किया जा सकता है अगर किसी कारणवश सीट खाली होती है। रिपोर्ट में हर साल होने वाले चुनावों की वजह से पब्लिक लाइफ पर पड़ने वाले असर की कड़े शब्दों में आलोचना की गई है। रिपोर्ट देश में 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराए जाने की सिफारिश करती है। नीति आयोग की ओर से दिए गए विमर्श पत्र के हवाले से रिपोर्ट कहती है कि एक साथ चुनाव कराए जाने के पहले चरण में लोकसभा और कम से कम आधे राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ 2019 में कराए जाएं और फिर 2021 में बाकी राज्यों में विधानसभा चुनाव कराए जाएं। गौर करने वाली बात है कि अक्टूबर 2017 में इलेक्शन कमिश्नर ओपी रावत ने कहा था कि चुनाव आयोग सितंबर 2018 तक संसाधनों के स्तर पर एक साथ चुनाव कराने में सक्षम हो जाएगा, लेकिन ये सरकार पर है कि वो इस बारे में फैसला ले और अन्य कानूनी सुधारों को लागू करें। और अब लगता है कि सरकार इसी पर काम कर रही है, लेकिन सरकार के लिए ये बदलाव कर पाना मुश्किल होगा क्योंकि बीजेपी को छोड़ अन्य राजनीतिक पार्टियां एक साथ चुनाव कराए जाने का विरोध कर रही हैं। यानी एक देश एक चुनाव की राह में कई राजनीतिक पार्टियां कांटा बनी हुई हैं, जिन्हें हटाए बिना एक देश एक चुनाव की बात बेमानी है। अभिजीत पांडे, जनतंत्र टीवी। देश में लोकसभा विधानसभा चुनाव को एक साथ करवाने का ये विचार कोई नया नहीं है। 1991-92 में जब पहली बार चुनाव हुए तो देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे, लेकिन 1998 और 96 में कुछ राज्यों की विधानसभाओं को भंग कर दिया गया था और इसके बाद ये प्रक्रिया पहली बार बाधित हुई थी।
लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ कराने का मुद्दा बीते कुछ समय से लगातार गर्म है, क्योंकि हमारे देश में थोड़े थोड़े समय में कोई ना कोई चुनाव होता ही रहता है। लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, उसके बाद पंचायत चुनाव, निगम के चुनाव और उपचुनाव। ऐसा लगता है कि जैसे हमारा देश हर वक्त चुनावी मोड में ही रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 30 सालों में कोई भी ऐसा साल नहीं रहा जब कोई चुनाव ना हुआ हो। इससे देश को बहुत नुकसान होता है। बार बार चुनाव करवाने पर बहुत सारा पैसा खर्च होता है और इसके अलावा देश के विकास पर इसका सीधा असर पड़ता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वक्त आ गया है कि देश में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करवाए जाएं? सरकार को भी एक साथ चुनाव कराने की जरूरत महसूस हो रही है, क्योंकि भारत में हर साल 5 से 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव होते हैं। बार बार चुनावों का मतलब है कि देश में बार बार आचार संहिता लागू होना। आचार संहिता लागू होने से सरकार के विकास कार्य और लोक कल्याण की योजनाएं रुक जाती हैं। नियमों के मुताबिक आचार संहिता लागू होने पर सरकार कोई नई योजना शुरू नहीं कर सकती, ना कोई नया ऐलान कर सकती है। एक साथ चुनाव कराने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इससे खर्च बचेगा। 2009 के लोकसभा चुनाव में 1115 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, लेकिन 5 साल बाद 2014 के लोकसभा चुनावों में 3870 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये खर्च के सरकारी आंकड़े हैं, जबकि चुनाव में होने वाला खर्च इससे कहीं ज्यादा होता है। नीति आयोग के मुताबिक एक साथ चुनाव कराने के और भी कई फायदे हैं, जैसे बार बार चुनाव होने से लोगों का जीवन प्रभावित होता है। चुनावों के दौरान हर रोज किसी न किसी नेता की रैली होती है, जिससे सड़कों पर ट्रैफिक जैम होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। अगर चुनाव एक साथ हुए तो ये समस्याएं 5 साल में सिर्फ एक बार आएंगी, क्योंकि भारत में चुनाव भ्रष्टाचार और विचारों का प्रदूषण फैलाने का बड़ा जरिया माना जाता है। चुनावों के माध्यम से समाज में जातिवाद, सांप्रदायिकता, भ्रष्टाचार और काला धन बढ़ता है। अगर देश हर वक्त चुनावी मोड में रहेगा तो इन चीजों से निजात पाना मुश्किल है। आपने देखा होगा कि जब चुनाव होता है तो समाज को बांटने वाले बयान दिए जाते हैं, इन बयानों पर हंगामा होता है, लेकिन ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि चुनावों में फायदा हो सके। वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जाती है, लेकिन अगर एक साथ चुनाव हुए तो ये स्थिति 5 साल में एक ही बार आएगी। वैसे आपको बता दें कि देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव को एक साथ करवाने का यह विचार कोई नया नहीं है। 1951-52 में जब पहली बार चुनाव हुए थे तो देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक ही साथ कराए गए। इसके बाद 3 आम चुनाव 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए। हालांकि 1968 और 1969 में कुछ राज्यों के विधानसभाओं को भंग कर दिया गया था और इसके बाद ये प्रक्रिया पहली बार बाधित हुई। 1970 में चौथी लोकसभा अपना कार्यकाल खत्म होने से पहले ही भंग हो गई और 1971 में फिर से चुनाव हुए। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल संविधान के आर्टिकल 352 के तहत 1977 तक बढ़ाया गया, क्योंकि इसी दौरान देश में आपातकाल लगा। अगर हम अभी तक की लोकसभाओं की बात करें तो 1st, 2nd, 3rd, 8th, 10th, 14th, and 15th लोकसभा अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर पाई, यानी के 15 में से सिर्फ 7 लोकसभा ही अपना कार्यकाल पूरा कर पाई। इसी तरह से बहुत से विधानसभाएं वक्त वक्त पर समय से पहले भंग होती रहीं।
जिसकी वजह से एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की प्रक्रिया बाधित होती रही और यही इस प्रक्रिया की सबसे बड़ी खामी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर लोकसभा को भंग करना पड़ा तो आगे विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ कैसे हो पाएंगे, इसका जवाब सरकार तलाश रही है। इसके अलावा सभी पार्टियों की एक राय बनाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सी पार्टियां, खासतौर पर क्षेत्रीय पार्टियां, इसका विरोध कर रही हैं, क्योंकि चुनाव में किसी एक पार्टी या किसी एक नेता का प्रभाव बढ़ा तो क्षेत्रीय पार्टियों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल होगा। और इसीलिए क्षेत्रीय पार्टियां इस नए आईडीए से डरी हुई हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब इसके लिए सभी पार्टियां मान जाएं। अभिजीत पांडे, जनतंत्र टीवी। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर सभी राजनीतिक दल इलेक्शन मोड में आ गए हैं। रणनीतियों और प्लानिंग के साथ बैठकों और रैलियों का दौर भी शुरू हो गया है। वह इन सब के बीच बिहार में एनडीए के भविष्य को लेकर के लड़ाई काफी दिलचस्प दिख रही है। यही वजह है कि बिहार की सियासी अहमियत भी अब बढ़ती नजर आ रही है। केंद्र की मोदी सरकार को बने चार साल बीत चुके हैं। बीतते समय के साथ 2014 से 2018 तक प्रदेश की सियासत में काफी बदलाव आ चुके हैं। विपक्षी दल जहां एक साथ आ गए हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के साथियों को भी विधानसभा चुनाव में बढ़ते प्रभाव से अपने वजूद बचाने की चिंता सताने लगी है। यही वजह है कि सहयोगी दल भी चार सालों के बीजेपी के साथ खट्टे मीठे अनुभवों के मद्देनजर अब अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने लगे हैं। बात विचार विमर्श तक होती तो ठीक थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल बीजेपी के कई सहयोगी एक एक कर साथ छोड़ने लगे हैं, क्योंकि उनको अपने वजूद की चिंता सताने लगी है। इसी को लेकर तेलंगाना में डीडीपी ने बीजेपी से नाता तोड़ा। बिहार में जीतन राम मांझी की पार्टी हम एनडीए से बाहर। कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी का भी अलगाव। महाराष्ट्र में शिवसेना ने अलग चुनाव लड़ने की घोषणा की। पंजाब में अकाली दल ने राज्यसभा के उपसभापति के पद पर किया दावा। यानी विपक्ष के साथ बीजेपी को सहयोगी दलों से भी लगातार चुनौतियां मिल रही हैं। इसी कड़ी में अब बिहार में भी एनडीए के दो सहयोगी दलों ने दबाव की रणनीति तैयार करनी शुरू कर दी है, जिसको लेकर लोजपा के रामविलास पासवान नीतीश कुमार के साथ बीजेपी पर दबाव बरकरार रखने की रणनीति के तहत रणनीति तैयार कर रहे हैं। नीतीश कुमार सियासत के मौसम में वैज्ञानिक रामविलास पासवान को भी अपने पाले में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी दोनों के बीच बीजेपी से अलग नई सियासी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई है, क्योंकि सियासी गणित के मुताबिक में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 31 सीटें मिली। 31 सीटों में बीजेपी को 22, लोजपा को 6 और रालोसपा को 3 सीटें मिली। नीतीश कुमार की जेडीयू ने अकेले चुनाव लड़ा और महज 2 सीटें मिली। हालांकि दूसरी तरफ रामविलास पासवान 2024 तक पीएम की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी के काबिज रहने की भविष्यवाणी भी कर रहे। वहीं सियासत के जानकार इसे जेडीयू के प्रेशर पॉलिटिक्स का हिस्सा मान रहे। प्रशांत किशोर की भूमिका की भी चर्चा हो रही, जो समय समय पर पर्दे के पीछे नीतीश कुमार की सियासी अहमियत को बढ़ाने की स्ट्रेटजी तैयार कर रहे। सूत्रों की माने तो 2019 में जेडीयू को चाहिए 15-16 लोकसभा सीटें। यूपी और झारखंड में भी 4-5 सीटों की चाहत। चुनाव से पहले आरजेडी और कांग्रेस के भी संपर्क में जेडीयू। मतलब साफ है, जेडीयू लोकसभा चुनाव में अपने हिस्से की सीटों की संख्या और सीटों के नाम को तय करने में अब और ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहती। शायद यही वजह है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पटना में नीतीश कुमार से मिलकर बातचीत करने का मन बनाया है और दबाव बनाकर जेडीयू और लोजपा अपना हित साधने में जुट गए हैं। कुलदीप द्विवेदी, जनतंत्र टीवी।
दिल्ली में केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच चल रही खींचतान में थोड़ी नरमी की संभावनाएं अब बढ़ गई हैं, क्योंकि कैबिनेट की कुछ फाइलों को उपराज्यपाल ने आपत्तियों की दरकिनार करते हुए पास कर दिया है। आपको बता दें कि लंबे समय से दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच में खींचतान चली आ रही थी, कई मुद्दों को लेकर के तकरार भी थी, लेकिन अब इन सारी तकरारों को, इन सारी रार को दरकिनार करते हुए एक अच्छी खबर दिल्ली वालों के लिए ये कि अब उपराज्यपाल अनिल बैजल और सरकार के बीच जो खींचतान थी उसमें कुछ कुछ नरमी नजर आने लगी है। और इसका सबसे पहला उदाहरण आपको ये बता दें कि डोरस्टेप डिलीवरी को लेकर के पिछले लंबे समय से 9 से 10 दिन तक जो है उपराज्यपाल के आवास पर धरने पर बैठे अरविंद केजरीवाल और उनकी कैबिनेट का जो धरना था, जिस मुद्दे को लेकर के अब फिलहाल अनिल बैजल की तरफ से इसे मंजूरी भी दे दी गई है और जल्द से जल्द इसे लागू करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। तो इन सभी चीजों को देखते हुए ये लग रहा है कि अब दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच की जो खींचतान है, जो तकरार है, फिलहाल वो थम गई है। इस बीच अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी गए, जहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक अहम फैसला आया। दोनों के बीच जो भी शक्तियां थी उनका विभाजन भी किया गया और यहां पर साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये ऐलान किया गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश जारी किए गए कि राज्यपाल के, उपराज्यपाल के जो भी अपने वो हैं शक्तियां हैं वो अपने तक ही निर्धारित हैं, सरकार को भी अपनी तरफ से पूरी छूट है अपने काम को करने के लिए। फिलहाल इन सब चीजों को देखते हुए अब ऐसा लग रहा है कि दिल्ली में शायद विकास होगा, क्योंकि अब ना ही दिल्ली सरकार के पास ये मौका है कहने का कि उपराज्यपाल केंद्र सरकार उनके काम में रोड़ा डाल रही है, उन्हें काम नहीं करने दे रही है, और ना ही अब केंद्र छोटी छोटी चीजों में अरविंद केजरीवाल की तरफ से अगर देखा जाए तो काम को लेकर के बीच में कोई रोड़ा डालेगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए ये अच्छी खबर दिल्ली वालों के लिए है, दिल्ली वासियों के लिए ये खुशी की बात है, क्योंकि लंबे समय से चली आ रही इस पूरी कवायद में अगर बात करें इस रार और तकरार की, तो फिलहाल अब ये धीरे धीरे सिमटने लगी है। और अगर ऐसा होता है तो ये बेहद अच्छा है, क्योंकि अब 2 साल का वक्त बचा है दिल्ली चुनाव में होने के लिए, और इस चुनाव से पहले 2 साल का वक्त अरविंद केजरीवाल के पास भी है, सरकार के पास 2 साल का वक्त अपने वादों को पूरा करने के लिए, क्योंकि 2 साल के इस लंबे समय के बाद फिर से एक बार अरविंद केजरीवाल को जनता के बीच में जाना पड़ेगा, अपने काम का ब्यौरा भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोबारा सत्ता में आना है तो लोगों के पास जाकर अपने काम की सारे कच्चे चिट्ठे तो दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें दोबारा से लोगों का मन जीतने के लिए ये काम करके देने पड़ेंगे। बता दें कि सत्ता में आने से पहले अरविंद केजरीवाल ने कई बड़े वादे किए थे, जिन वादों में अगर बात करें तो पानी की बात करें, बिजली की बात करें, सुविधाओं की, वाईफाई की, या फिर दिल्ली में साफ सफाई की, इन सभी चीजों को लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं दिल्ली वालों के दिल में नाराजगी भी है सरकार के लिए। लेकिन सरकार का हमेशा से सिर्फ एक ही फैसला रहा, एक ही बात, एक ही बयान सामने आई, बयान ये कि केंद्र इन सब चीजों में रोड़ा डाल रहा है और केंद्र ने अपना एक एजेंडा फिक्स कर रखा है, एजेंट बना करके उपराज्यपाल को बीच में बैठा रखा है, हमें काम नहीं करने देते। लेकिन इन सारी चीजों को दरकिनार कर दिया जाए तो अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आगे दिल्ली सरकार किस तरह से काम करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार।